पाकिस्तान में 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 43 अफराद इंतकाल कर गए। 958 नए केसेज रिपोर्ट। एनसीओसी के मुताबिक कोरोना से इंतकाल करने वालों की मजमूई तादाद 12,380 हो गई। कोरोना के बाद लाहौर के 7 इलाकों में 28 फरवरी तक लॉकडाउन लगा दिया गया। वफाकी वजीर शेख रशीद ने कहा है कि नवाज शरीफ के पासपोर्ट की मुद्दत आज रात खत्म हो जाएगी। पीसीएल पर मौजूद शख्स का पासपोर्ट जारी नहीं हो सकता। अगर नवाज शरीफ वापस आना चाहें तो इन्हें 72 घंटे में इजाजतनामा जारी हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि मरियम नवाज ने सर्जरी की बात की है और दरख्वास्त ना देने की बात की है। इनका नाम भी पीसीएल पर है और दरख्वास्त ना देना इनका अपना फैसला है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ज़ेरे सदारत पीटीआई पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। सैनेट टिकट के लिए जिन लोगों के नामों पर एतराज़ात आए इन पर मुशावरत होगी। वज़ीर-ए-आज़म पार्लिमानी बोर्ड से एतराज़ात वाले नामों पर मुशावरत करेंगे। नून लीग रहनुमा शाहिद खान अब्बासी ने कहा है कि सैनेट इलेक्शन में वोट खरीदे गए। जिस आदमी की पार्टी के लोग वोट खरीद रहे हैं वो आज वज़ीर-ए-आज़म है। कमीशन और कमेटी बनाई गई और कमेटी में वो लोग हैं जो खुद इसमें मुलव्वस थे। कहा नाम निहाद एहतसाब वाले सुन लें, ये एहतसाब होगा और इन्हें हिसाब देना पड़ेगा। कराची के इलाके मलीर के हलका 88 पर ज़मीनी इंतखाबात की मुहिम जारी। पीपल्स पार्टी के यूसुफ मुर्तजा बलोच, तहरीक इंसाफ के जाम शेर खान जुनेजो और एमकेएम के साजिद अहमद मैदान में। सुबह खैबर पख्तूनख्वा में जेयूआई के रुकने असम्बली फजल आगा की वफात से खाली होने वाली नशिस्त पर PB20 पिशीन में ज़मीनी इंतखाब 27 उम्मीदवार मैदान में। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी मिस्र के दो रोज़ा दौरे पर रवाना। रवानगी से कबल वीडियो बयान में कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान मुआशी तआवुन के फ़रोग़ की बेपनाह इम्कानात हैं।